हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्क्रीन ठीक से विजिबल है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ स्क्रीन विजिबल है, और अपने दोस्तों को भी जल्दी से मैसेज सेंड कर दो। क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी करो थोड़ा। चलो जल्दी से मैसेज कर दो और क्लास को लाइक कर दो थोड़ा। चलो बताओ, स्क्रीन विजिबल है सबको ठीक से? तो चलें स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है? जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। ओके, एवरी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। तो चलें स्टार्ट करें बिना देरी के। हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो बायो टेक्नोलॉजी है, इसका हमारी जो रियल लाइफ है, उस रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये जान लें कि इस चैप्टर में हम कब और अब क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चा लोग हम सीखेंगे बायो टेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड में, कि एग्रीकल्चर में इसकी क्या जो है बायो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, या बायो टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर की कौन कौन सी जो टेक्निक्स हैं डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे बायो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, जो ह्यूमन है उनके लिए किस तरह से ये उपयोगी साबित है बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, इसको जानेंगे। आफ्टर दैट ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी, हमने बायोटेक्नोलॉजी में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझी थी, क्या होता है इसके बारे में जाना। बट यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके उपयोग एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स हों या फिर ग्रीन प्लांट्स हों, फंगाई हो, एनिमल्स हों, इन सब के क्या है एप्लीकेशन, इन सब के जो भी हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इन सब की लाइफ में, या फिर इन सबको एकदम से कोरिलेट करके क्या हमारे लिए कुछ उपयोगी साबित हो सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरापेटिक डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड में देखें, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो सकती हैं, जिन्हें बनाया गया जीएम क्रॉप्स बोला जाता है, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, जो भी वेस्टेज निकलता है उनका किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में, एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और एनर्जी किस तरह से बना सकते हैं, जो बायोगैस हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, इन सब की एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है उसे परफॉर्म करने के लिए क्या है कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजली अ माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम हो सकता है, ठीक है?
किसी भी रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, प्योर एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। क्योंकि हम जानते हैं, बच्चा लोग क्या जानते हैं, कि कोई भी एंजाइम है उसके लिए ऑप्टिमल कंडीशन होनी चाहिए। ऑप्टिमल कंडीशन से मतलब है कि एक सूटेबल कंडीशन होगी उस पर वो वर्क करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, जो कैटलिस्ट है इसके लिए भी एक सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए। सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच होनी चाहिए, है। तो देखिए, अगर टेम्परेचर कम, जो हमने टेक्निक से डेवलप किए हैं वो क्या प्योर हैं, इन सब की जो चेकिंग होती है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू होती है। अब देखो, कोई भी हमने मान लो मेडिसिन बनाई, कोई भी मेडिसिन जो है हमने बनाई, उसे मार्केट में यूं ही तो उतार नहीं देंगे। पहले उसके जो हैं ड्रॉबैक क्या हैं, या फिर उसमें कोई कमी रह गई है उसको चेक करेंगे। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से ये सब हमें पता चल जाएगा, अप्लाई करके देखेंगे, पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे अगर यूज़फुल होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो हम उसे क्या करेंगे, मार्केट में उतार देंगे। और अगर नहीं हुई, ऐसा नहीं कर पा रही है, या फिर किसी के लिए कोई नुकसान कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे मार्केट में क्या होंगे, नहीं उतारेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, कैटलिस्ट सूटेबल प्रोवाइड करना, चाहे वो माइक्रोब्स की फॉर्म में हो, प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में हो सकता है, उनके लिए एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करना, ये क्या है, एक क्राइटेरिया बनाया गया है रिसर्च के लिए इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, आगे चलें, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्लास शेयर कर दो, जो भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, या फिर कोई भी आपने जो ग्रुप ज्वाइन किया है वहाँ पर लिंक शेयर कर दो, जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, हमें पढ़ाने में, है ना। क्यों भाई, बोलिए, अब बताइए, यहाँ पर जैसे आपको क्या करना है, कर्ड है, ठीक है, कर्ड बनाना है, तो क्या इसमें हम बायोटेक का यूज़ करते हैं, बायोटेक का यूज़ करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो कर्ड है, कर्ड के अंदर क्या हम बायोटेक का यूज़ करते हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखो, इसमें ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी लगती है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मतलब जब ये काफ़ी पुराने समय से बनता आ रहा है, कर्ड बनाना, ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी पुराने समय से आ रही हैं, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है तो एक टेक्निक ही। ओके, ठीक, आगे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि फर्स्ट पॉइंट हमें एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में पढ़ना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स टेक लुक द थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में मेन मतलब क्या है, कि हमें इस तरह से प्रोडक्शन करना है फूड का, जो कि आज की ग्रोइंग जनरेशन है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बोले तो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसके लिए फूड की क्या हो, कमी ना हो। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी लिए क्या हो, फूड की कमी ना हो, इस हिसाब से हमें क्या करना है, फूड का प्रोडक्शन करना है। तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेंगी, एप्लीकेशंस बनानी पड़ेंगी, तो जिससे कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो देखिए, अगर हम बायोटेक का एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली फूड को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। पहला क्या हो सकता है, एग्रोकेमिकल वेस्ट एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल वेस्ट कल्चर करें हम। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कल्चर, स्प्रे से ऑर्गेनिज्म से किसी दूसरे का प्रोडक्शन कराने लगेंगे, अगर वो
प्रेजेंट नहीं है या फिर उसकी कमी हो गई है, तो इस तरह से हम क्या है फूड का प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है MH स्वामीनाथन, इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किसे बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया MH स्वामीनाथन को बोला जाता है। तो देखिए ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल हुआ था इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वॉज एन नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। आज की बढ़ती हुई जनता के लिए इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि उसके लिए इस समय इतना फूड जो है अवेलेबल है वो एनफ नहीं है। तो क्या करेंगे हम, एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे। इंक्रीजिंग ईल्ड हैव पार्शली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। जो हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ये क्या होगा, कैसे पड़ेगा कि अगर हम इम्प्रूव वैरायटी का यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसे बढ़ा सकते हैं। बट मेनली अगर हम बात करें मुख्य तौर पर, ड्यू टू यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी जो क्रॉप जो है ग्रो करा रहे हैं, जो भी क्रॉप है ग्रो कर रही है उस क्रॉप में हम फर्टिलाइज़र, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा जो हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे, वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर वो माइक्रोब्स ख़त्म हो गए बच्चा लोग, तो क्या होगा हमारी जो क्रॉप थी वो प्रॉपरली ग्रो करेगी और फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। जो एग्रोकेमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतने जो महंगे एक्सपेंसिव केमिकल्स हैं इनको खरीद सके। एंड फर्दर इंक्रीज इन ईल्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। जो लोग कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते हैं, मतलब जिनमें इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड, तो उससे क्या होगा कि माइक्रोब्स आएंगे और जो भी हमारी फसल होगी उसको क्या कर देंगे, नुकसान कर देंगे। तो आधी फसल तो उसी में ख़त्म हो जाएगी और आधी बची वो इस तरह की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए क्या है, एनफ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या किया जाए जिससे कि ये प्रोडक्शन भी बढ़ जाए और उन्हें इतना जो है खर्चा भी नहीं उठाना पड़े। इन देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर आउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कैन सो दैट द फार्मर मे ऑब्टेन मैक्सिमम ईल्ड फ्रॉम देयर फील्ड। मतलब अगर हम कोई अल्टरनेटिव पाथ सोचें इन सब चीज़ों को, कि एक्सपेंशन भी ना हो, इतना एक्सपेंशन चीज़ जो है खर्चा भी ना हो और हम आसानी से अपनी क्रॉप का भी ईल्ड बढ़ा लें, तो हमें उसके जेनेटिक्स के बारे में सोचना होगा कि कुछ ऐसी वैरायटीज डेवलप की जाएं जिनमें जेनेटिकली हम मॉडिफाई कर दें उन्हें, उनमें ऐसे गुण स्वतः ही आ जाएं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कोई ना कोई टेक्निक डेवलप करेंगे। Is there is a way to minimize the use of fertilizer and chemicals so that harmful effect on the environment? क्या ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या फिर पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इससे वातावरण में क्या हो रहा है, हार्म इफेक्ट पड़ रहे हैं, इनसे भी बचा जा सकने का कोई भी तरीका है क्या, कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ऐसा बोला। Then use of genetically modified crop is an possible solution. तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स का यूज़ करें। क्या करें कमेंट करके बताओ, कौन का यूज़ करें, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए लगे रहिए, क्या करना है, पानी की बोतल लेके बैठ जाओ, आराम से पानी पियो और जो है बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनते जाओ। समझ गए प्यारे बच्चों,
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, थोड़ा आ जाएं वो लोग भी। अब देखिए, प्लांट बैक्टीरिया एंड फंगाई, प्लांट बैक्टीरिया फंगाई एनिमल्स हू जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाई मैनिपुलेशन, इनके जीन जो हैं उनको क्या किया जा सकता है बच्चों, ऑल्टर किया जा सकता है एंड मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके जो हैं जीन को ऑल्टर कर दें, मैनिपुलेट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएंगे, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर GM प्लांट्स के बारे में बात की है, GM प्लांट्स हैव बीन सक्सेसफुल इन मैनी वेज, कैसे हो सकते हैं, सबसे पहली बात, मेड क्रॉप मोर टॉलरेट टू अबायोटिक स्ट्रेस, अबायोटिक स्ट्रेस से मतलब कोल्ड हो गया, ड्रॉप्स हो गया, या फिर सॉल्ट या हीट, मतलब ये जो GM प्लांट्स बनाए गए हैं वो क्या होंगी, जो GM क्रॉप्स बनाई गई हैं वो टॉलरेट कर सकती हैं अबायोटिक स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसको भी झेल लेंगी, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है उसको भी झेल लेंगी, या कोई साल्टी कंडीशन है वहाँ पर भी वो ग्रो कर जाएंगे, तो ग्रो कर जाएंगी तो प्रोडक्शन तो वैसे भी बढ़ा देंगी, अगर मान लो वहाँ पर सॉल्टी कंडीशन थी, पहले ग्रो नहीं कर रही थी बिल्कुल भी वहाँ पर, तो उतना तो लॉस हमें हो ही रहा था, लेकिन अब जब हमने GM प्लांट्स बना लिए हैं वो उसे टॉलरेट कर सकते हैं, तो सॉल्टी कंडीशन में भी यहाँ पर जो फील्ड था सॉल्टी फील्ड वहाँ पर भी इस तरह से ये उगने लगे, तो यहाँ से प्रोडक्शन भी बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ गया, वैसे यहाँ पर ये ग्रो नहीं करता तो इतना प्रोडक्शन लॉस होता। दूसरी बात, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, मतलब जो केमिकल्स का यूज़ करते थे, फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, इनका भी प्रोडक्शन जो यूज़ करना जो हुआ वो कम हो गया GM प्लांट्स बनने से, ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि हमारा जो इन्वायरमेंट था उसमें भी कम इनकी चीज़ों का क्या हो रहा था, यूज़ हो रहा था, जिससे क्या हुआ कि हमारा इन्वायरमेंट भी थोड़ा सही हो गया, ठीक ठाक हो गया, मतलब पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ इन सब चीज़ों से। एंड नेक्स्ट, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, मतलब कोई जो है किसान, कोई भी है फार्मर है, वो क्या करता है कि उसके बाद जब क्रॉप डेवलप हो गई, उसके बाद कभी कभी क्या हो जाता था कि उस पर क्रॉप लगने के बाद भी वो लॉस हो गई, किसी तरह से झड़ गई, कुछ भी हो गया, तो वो उनके लिए क्या था, वो एक तरह का लॉस ही था, तो ये भी बचा गया इस टेक्निक से। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी फॉर मिनरल यूजेस बाय प्लांट, जो प्लांट मिनरल्स यूज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाया गया, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब हमने क्या किया, जो मिनरल का यूज़ कर रहे थे प्लांट उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ गई, और जो सॉइल के अंदर क्या होते थे, न्यूट्रिएंट्स होते थे, मिनरल्स होते थे, जैसे कि उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती थी, वो भी अब ख़त्म नहीं हो रही, समझ में आया, समझ गए ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर फूड, इन्हांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, जो फूड था उसके अंदर क्या हुआ कि न्यूट्रिशन वैल्यूज को भी ऐड किया गया, जैसे कि जो ह्यूमंस हैं या फिर जो भी इनका कंजप्शन कर रहे हैं उनको क्या एडिशनल बेनिफिट मिले, समझे, जैसे कि गोल्डन राइस को डेवलप किया गया था, इसमें क्या था, विटामिन ए एनरिच राइस थे, जो गोल्डन राइस थे वो विटामिन ए एनरिच राइस थे, हमें पता है कि विटामिन ए जो होगा वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे क्या हुआ, हमें एडिशनल बेनिफिट मिला कि हम राइस खा रहे हैं और उसमें साथ ही साथ विटामिन ए भी मिल रही है, विटामिन ए भी मिल रही है, ओके, तो ये सब बातें थी, और ये सब खास बातें थी जो कि एक GM प्लांट के अंदर डेवलप हुई, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग को
क्या हुआ, इस तरह से फायदा हुआ। अगर हम इन यूजेस के अलावा अगर बात करें, जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेट रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस फ्यूज एंड फार्माकोलॉजिकल। ओके, तो जीएम प्लांट्स इन बातों के अलावा टेलर मेड प्लांट्स बनाए गए, सप्लाई द सॉल्ट रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जीएम के द्वारा हमने क्या की, ऑब्टेन की। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, तो जीएम जो है बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके हमने क्या किया, हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए, जिससे कि क्या होता था, पेस्ट प्लांट पर जो फसल लगी होती थी उसे नष्ट कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। तो अगर हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट ही डेवलप कर लिया, पूरा प्लांट इस तरह से, अगर ये पूरा प्लांट जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर पेस्ट आ ही नहीं पाएगा पेस्ट, तो क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्शन होना था इस प्लांट से वो हमें कंप्लीट मिलेगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, और इस पर पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव किया जाता था वो भी कम हो गया। बीटी कॉटन इज प्रोड्यूस बाई बैक्टीरियम, बीटी कॉटन है वो प्रोड्यूस किया गया है किससे, प्रोड्यूस बाई बैक्टीरियम बेसिलस थुरंजियंसिस, और इसे शॉर्ट में हम बीटी कह देते हैं। तो बच्चे यहाँ से आपको याद रखना है, जो बीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, कभी कभी एग्जाम में लिख देगा बीटी इज स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको ये नहीं करना है। बीटी मतलब बेसिलस थुरंजियंसिस, ये एक क्या है, बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम बोले तो बैक्टीरिया है, तो आपको ध्यान रखना है बीटी जो शॉर्ट फॉर्म है बेसिलस थुरंजियंसिस के लिए है, ना कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ऐसे ही घुमा दिया जाता है एग्जाम में बच्चों को, समझे, आते हुए भी गलत हो जाता है, समझ गए। चलिए बताइए, बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बीटी के जो जीन हैं बाय बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, से क्लोन किए जाते हैं मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, सिमिलर कॉपी, मान लो इसकी ऐसी कॉपी थी तो ऐसी ही लाखों हजारों कॉपी क्या होंगी, सिमिलर बना देंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, क्लोन्स। एंड हैज़ बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, इस तरह से क्या बन जाएगा, ये बायोपेस्टिसाइड बन जाएगा, जो बैक्टीरिया है बीटी बैक्टीरिया बैसिलस थुरंजियंसिस, इसके अंदर बीटी टॉक्सिन्स पाई जाती हैं, बीटी टॉक्सिन्स, उन टॉक्सिन्स को हमने क्या कर दिया है, क्लोन, ठीक है, क्लोन कर दिया है, क्लोन का मतलब मल्टीपल कॉपीज बना लिए, हजार थाउजेंड 2000 से ज़्यादा, मतलब मल्टीपल कॉपीज बना रखी हैं उस बीटी टॉक्सिन की, और उसको हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया है प्लांट के अंदर, समझ गए, प्लांट के अंदर क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इसे इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगी इंसेक्ट के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगी इंसेक्ट से, तो क्या होगा, हमें कोई बाहर से एडिशनल इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि इस प्लांट पर उसका छिड़काव करें, ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा हो गया, और दूसरा ये खुद ही एक बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करने लगेगा, प्लांट है वो बायोपेस्टिसाइड की तरह खुद ही काम करने लगेगा, मतलब वो बीमारी होने ही नहीं दे रहा है, वो पेस्ट को अटैक कराने ही नहीं दे रहा है, प्लांट खुद ही ऐसा कर रहा है काम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीटी कॉटन डेवलप हो चुका है, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, अब तक जो है बीटी की जो वैरायटी है कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन को डेवलप किया जा चुका है,
समझ गए यहाँ तक? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, बताइए प्यारे बच्चों, अब तक समझ में आया? नाउ बीटी कॉटन, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बीटी कॉटन के बारे में, क्या है, कैसे चल रहा है इसमें। तो सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थुरिंजियंसिस, ये बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रेन को लिया, प्रोड्यूस द प्रोटीन, एक तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं बच्चा लोग? प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज, कौन कौन से इंसेक्ट हो सकते हैं? एक तो लिपिडोप्टेरेंस, जिसमें टोबैको बर्डवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म आएगा, ओलिप्टेरेंस, इसके अंदर बेटल्स आ जाएंगे, एंड डिप्थीरेंस, के अंदर फ्लाइज एंड मस्कीटो आ जाएंगे। ठीक है, तो जो ये प्रोटीन है बीटी प्रोटीन है, वो किस किस को किल करेगी? लेप्टोप्टेरेंस, कॉलिप्टोरेंस एंड डिप्थीरेंस, समझ गए? इसमें टोबैको बर्डवॉर्म आर्मी वॉर्म बीटल्स फ्लाइज एंड मस्कीटो जो आएंगे इनको किल करेगी। बेसिलस थुरिंजियंसिस फॉर्म अ प्रोटीन क्रिस्टल, ये क्या बनाता है? एक प्रोटीन की क्रिस्टल्स बनाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, जब वो ग्रोथ कर रहा होता है उसके एक स्टेज पर क्या बनते हैं? बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल्स बनते हैं। दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिन, इन क्रिस्टल्स के अंदर छोटे छोटे ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं बच्चा लोग? ये कंटेन करते हैं एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, याद आ रहा है? प्रोटीन होगी, कभी कभी क्या करेंगे एग्जाम में प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और पूछ लें ये है ट्रू या फिर फॉल्स, तो क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो आपको याद रखना है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये क्या होती है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो होती हैं बीटी के अंदर बेसिलस थुरिंजियंसिस के अंदर एक पर्टिकुलर फेज पर जो होती हैं वो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिनके अंदर होते हैं बेसिलस थुरिंजियंसिस के इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। अब बीटी कॉटन जो होती है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में। देखो अब बोला गया कि ये जो बीटी है बेसिलस थुरिंजियंसिस, ये टॉक्सिन इसको क्यों नहीं मारते, खुद इस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारते? तो उसका सिंपल सा मतलब है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर ये किस फॉर्म में रहते हैं? ये रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, इसके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, या बोलो प्रोटॉक्सिन, ठीक है, प्रो मतलब है इनएक्टिव फॉर्म में रहना। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव प्रोटीन, लेकिन कोई भी मान लो ये कंटाला इस तरह से, ये देखो ये कोई कंटाला कोई इंसेक्ट है, देखो अच्छा तो नहीं लग रहा है, इंसेक्ट तो नहीं लग रहा, कुछ और ही लग रहा है, ठीक है, ये है मान लो ये इंसेक्ट, ये इंसेक्ट क्या करेगा, लिख देते हैं हम, कुछ और लगेगा तुम्हें, इंसेक्ट, ये इंसेक्ट क्या करेगा, उसको खाएगा, और जैसे ही बीटी टॉक्सिन इसके अंदर गई और इसके अंदर जाने के बाद ये इनएक्टिव से क्या हो जाएंगी? एक्टिव। इनएक्टिव से क्या हो जाएंगी? एक्टिव। इट कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, इसका जो पीएच होगा एल्कलाइन का वो कैसा होगा? पीएच एल्कलाइन होगा, इसका पीएच कैसा होगा? एल्कलाइन पीएच होगा, इसके गट का जो एल्कलाइन पीएच होगा उसकी वजह से क्या होगी? ये एक्टिव हो जाएंगी, समझ गए? और एक्टिव हो गई तो अपना काम करना शुरू कर देंगी, एंड विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, और इन क्रिस्टल्स को ये सॉल्युबल कर देगी, और इसी के अंदर थी टॉक्सिन, ये जो क्रिस्टल थे इसके अंदर थी टॉक्सिन्स, अब इसको क्या करेगी? सॉल्युबलाइज कर देगी, ये बॉल तोड़ेगी और आराम से ये टॉक्सिन बाहर आ जाएंगे और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ में?
समझ में आई यहाँ तक बातें? जल्दी से कमेंट करके बता दो प्यारे बच्चों, समझ गए ना तुम? अब द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ द मिडगट एपिथीलियम सेल, किससे बाइंड करती है? तो याद रखना है मिडगट एपिथीलियल सेल से। जो ये कंटाला भाई साहब हैं, ये जो इंसेक्ट हैं, इनके मिडगट एपिथीलियम से ये टॉक्सिन जो होती हैं इंटरेक्ट कर जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है, एक्टिव फॉर्म है। अब कुछ ना कुछ अपना असर ये दिखाएंगी, तो देखिए क्या असर होता है इनका। क्रिएट पोर्स। अब जब मिडगट एपिथीलियम में ये अटैच हो गए हैं तो क्या करेंगी? वहाँ पर पोर्स क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो होंगी स्वेल हो जाएंगी एंड लाइसिस ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएंगी एंड फाइनली इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से क्या किया, बीटी टॉक्सिन्स ने उन हार्मफुल इंसेक्ट का सफाया कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि प्लांट में हम बिना पेस्टिसाइड यूज़ किए ही हमने प्लांट में ऐसे करेक्टर डेवलप कर दिए जिससे कि उस प्लांट को भी फ़ायदा हुआ, मतलब प्लांट का कोई वो नहीं हुआ, और दूसरी बात उससे प्रोडक्शन की जो ईल्ड थी वो भी बढ़ गई। नाउ स्पेसिफिक बीटी जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेंजियंसिस। कहाँ से आइसोलेट किए गए थे? जो बीटी टॉक्सिन जीन थे वो बैसिलस थोरेंजियंसिस थे एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द सेवरल क्रॉप्स, और इन्हें बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर क्या कर दिया गया, क्रॉप प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जैसे कि इसमें पहला नाम है कॉटन का, कॉटन के अंदर। द चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड करती है अपॉन द क्रॉप, किस तरह की क्रॉप है उस तरह से हम उसमें जीन्स प्रोवाइड कराएंगे या डेवलप किए जाएंगे या डाले जाएंगे, ये क्रॉप पर डिपेंड करता है। एंड द टारगेटेड पेस्ट, मतलब ये क्रॉप है इस तरह से, कोई ये क्रॉप है, इस क्रॉप पर एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट जो है वो आता है। ठीक है, तो उसमें उसी तरह का जो इसे नष्ट कर सके उस तरह का जीन जो होगा क्या कर दिया जाएगा, जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पर करेगा कि हमें कौन सा जीन डालना है, ये डिपेंड करेगा क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट, किस पेस्ट को हमें निपटाना है, ख़त्म करना है। समझ गए? एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, बहुत सारी जो बीटी टॉक्सिन्स हैं वो इंसेक्ट ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होती हैं। द टॉक्सिन इज कोड बाय अ जीन, कौन सा जीन है, क्राई वन ए सी, इसमें कोड दिया गया है इन टॉक्सिन्स को अलग अलग, इज कोड बाय अ जीन। ठीक है, इस तरह की जो टॉक्सिन्स होंगी वो जीन किससे निकलेंगी, क्राई वन ए सी। देयर आर द नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन क्राई वन ए सी एंड क्राई वन ए बी, क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी कंट्रोल द कॉटन वॉल वॉर्म एंड क्राई वन ए बी कंट्रोल द कॉर्न बोरर। ठीक है, कॉर्न बोरर, तो इसे याद कैसे करेंगे, भूल जाओगे ना तुम बार बार, तो देखो ऐसे याद रखो, क्राई सब में है, रोना नहीं है तुम्हें, क्राई वन ए सी एंड क्राई वन क्राई सेकेंड ए वी एंड क्राई वन ए वी। तो देखो यहाँ पर सी बड़ा आता है और यहाँ पर सेकेंड नंबर बड़ा है, सी बड़ा आता है यहाँ पर सेकेंड नंबर बड़ा है, तो याद रखो इसका नाम भी बड़ा होगा थोड़ा, तो होगा कॉटन वॉल वॉर्म्स। अब देखो यहाँ पर ये नंबर भी छोटा है और बी भी छोटा है, सी से तो छोटा ही है, तो याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, कॉर्न बोरर, बस इतना छोटा सा नाम, इधर कॉटन वॉल वॉर्म्स, तो याद रखो यहाँ पर सी वाला अक्षर भी बड़ा आएगा और यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला जो होगा बी के साथ जो अक्षर लिखा है, नंबर लिखा है, वो सेकंड बड़ा वाला आएगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तुमने जैसे याद रखा है वैसे याद रखो।
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जो ए है वो वॉलवॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और जो बी है वो फुली मैच्योर्ड कॉटन बॉल है। ठीक है, नाउ देखिए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप किया गया। सेवरल निमोटोड निमेटोड्स पेस्टिसाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। अ निमेटोड लॉन्जिगाइनी इनकोंगिनाइटा, मिलॉन्जिगाइनी इनकोंगिनाइटा जो है वो इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करता है, रूट ऑफ द टबैको प्लांट, जो टबैको प्लांट है उसकी रूट को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो कौन है ये, एक निमेटोड है और ये किसको बर्बाद करता है, रूट ऑफ द टबैको प्लांट्स को। ठीक है, ओके क्लियर है, बताओ समझ में आ रहा है। नाउ एंड कॉज द ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, टोबैको की ईल्ड में बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अ नोवल स्ट्रेटजी वॉज डेवलप टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस, आर एन ए आई बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो इस सबसे ये निमेटोड इसे नुकसान ना पहुँचा पाए, इससे बचने के लिए एक नोबल स्ट्रेटेजी डेवलप की गई जिसे क्या बोला गया, आरएनए इंटरफेरेंसिंग। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई बोल देते हैं। आरएनए आई टेक प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो आरएनए आई टेक प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक मेथड होता है ऑफ सेलुलर डिफेंस के लिए। ठीक है, जो आरएनए आई है वो हर एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। ठीक है, ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा और ये एक मेथड होता है सेलुलर डिफेंस। ठीक है, सेलुलर डिफेंस का एक मेथड होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो क्या होता है इस मेथड में, जो आरएनए हम पढ़ रहे हैं आर एन ए इंटरफेरेंस, इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि एक एमआरएनए की हम क्या करते हैं, साइलेंसिंग करते हैं एमआरएनए, और साइलेंसिंग करेंगे कैसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड, याद रखना है नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन यहाँ पर हमें कैसा लेना है, डबल स्टैंडर्ड, क्या लेना है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल लेंगे जो बाइंड कर जाएगा इसके साथ टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो है एमआरएनए का ट्रांसलेशन जो होगा वो नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं बनेगी। ठीक है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं बनेगी। ओके, तो एक तरह से क्या बोल देंगे, इसे साइलेंस हो गया, इसको साइलेंट कर दिया कि तू अब ना बोलेगा ना कुछ भी करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ेगा। समझ गया ना, तुम लोग से बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम तुम सिर्फ पढ़ोगे अब। ठीक है, तो उसी तरह से इस एमआरएनए से कह दिया गया, तू बस साइलेंट होकर बैठ जा, कुछ नहीं करना है तेरे को। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाई वायरल वायरस हैविंग द आर एन ए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर याद रखना है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांसपोन्स, ओके, दैट रिप्लीकेट बाई आर एन ए इंटरमीडिएट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आया है उसके सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इसको हम कहाँ से जो है लाए हैं या फिर कहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया है, इन्फेक्टेड बाय द
वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, ऐसा वायरस जिसके पास आरएनए जीनोम था या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोज थे, दैट रेप्लीकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। ये रेप्लीकेट हुआ किससे? हुआ आरएनए इंटरमीडिएट से। ओके, नाउ यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, जो एग्रोबैक्टीरियम है उसे किसकी तरह यूज़ किया गया है? उसे यूज़ किया गया है एज अ वेक्टर। निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है, तो हमने एग्रोबैक्टीरियम को एज अ वेक्टर यूज़ करके उस प्लांट के अंदर, जिस प्लांट में ये क्या है, टोबैको कोई प्लांट में ये जो है क्या लग रहे थे, रूट्स के अंदर निमेटोड्स जो ख़राब कर रहे थे, उससे बचाने के लिए हमने क्या किया, इस प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम को लेकर क्या कर दिया, उन जीन्स को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस और एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। जो ये था जो हमने इंट्रोड्यूस किया, वो दोनों तरह के आरएनए बनाएगा, एक सेंस भी और एक एंटी सेंस, एंटी सेंस आरएनए, सेंस आरएनए भी बनाएगा और एंटी सेंस आरएनए, मतलब दोनों तरह के क्या करेगा, ये आरएनए को डेवलप करेगा, ठीक है। तो कभी कभी यही पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो याद रखना है प्यारे बच्चों कि वो बनाएगा दोनों तरह के, प्रोड्यूस बोथ सेंस और एंटी सेंस इन द होस्ट सेल, ठीक है। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों आरएनए जो होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक सेंस है दूसरा एंटी सेंस है, तो एक दूसरे के हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, फॉर्म्ड बाई अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और जिससे क्या हो जाएगा, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। इस तरह से था, मान लो एक स्ट्रैंड और एक दूसरा इस तरह से, समझ रहे, एक इस तरह से फैला हुआ तो दूसरा इस तरह से, तो आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो ये आरएनए जो होगा वो कैसा हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड, दैट इनिशिएटेड आरएनएआई, जो क्या करेगा, आरएनएआई टेक्नोलॉजी जो है हमने पीछे बताई थी उसको इनिशिएट कर देगा। दस साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए, जो एमआरएनए था उसकी क्या हो जाएगी, एमआरएनए की हो जाएगी साइलेंसिंग। समझ में आए, वो चुपचाप बैठ जाएगा, भैया हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये डॉन आ गए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया, तो हम क्या चीज़ है, समझ गए, तो ये बोल देगा। तो बस लगे रहिए बच्चा लोग, बस इसी तरह से पढ़ते रहिए। ओके, नेक्स्ट, द कंसिक्वेंस वॉज दैट द पेस्ट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग द स्पेसिफिक इंटरफेरेंस आरएनए। तो जो पेस्ट होगा जो इस पर अटैक करेगा वो क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस ट्रांसजेनिक होस्ट की एक्सप्रेशन के बाद, ठीक है। अब द ट्रांसजेनिक प्लांट जो बन चुका है वो ट्रांसजेनिक है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, देयरफॉर गॉट इट्स सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्टिसाइड, और इसी तरह से जो ट्रांसजेनिक प्लांट जो बना है वो खुद ही प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को फ्रॉम द पेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जो टोबैको की है उसकी कोई बर्बादी भी नहीं होगी, और हमें पूरी जो है वो ईल्ड मिल जाएगी, जितनी भी वो प्रोड्यूस कर रहा था उतनी पूरी की पूरी ईल्ड मिल जाएगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो है ना कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर वही नेमेटाइड के अंदर हमें इन्फेक्शन कैसे हुआ, ट्रिगर कैसे हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। नाउ अब मेडिकल फील्ड में जो मेडिसिन है इसके फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, इसके बारे में हमें कुछ बातें करनी है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और सुनिए एक वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, क्या बोला, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल
वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखो कल क्या होगा इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, आज तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आने वाला है, समझ गए? तो चलें स्टार्ट करें। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैज मेड ओके। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए, अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैज बीन, कितने 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स जो हैज बीन अप्रूव फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन के यूज के लिए लगभग 30 अबाउट 30 जो है थेरापेटिक्स का यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अगर इंडिया में पूछ लिया जाए तो वो 12 है, इज प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। ठीक है, तो इंडिया में कितने हैं, 12, और पूरे वर्ल्ड में कितने थेरापेटिक्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स, तो वो हो जाएंगे 30। ठीक, याद रखना है, याद रखना है प्यारे बच्चों। नाउ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानना है। अब देखिए, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, टू इफ़ एनफ ह्यूमन इंसुलिन बॉल्स नॉट अवेलेबल, अगर मान लो कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, वो क्या है, उसके अंदर जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो पा रहा है, जैसे कि उसके अंदर जो है डिजीज डेवलप हो गई। अब इस इंसुलिन की जो वो है, इसको कैसे हम रिमूव करें, ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी तो डेवलप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज द इंसुलिन फ्रॉम द अदर एनिमल, क्या कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है जिससे हम क्या करें कि दूसरे एनिमल्स में वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कराएं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कराएं और हम अपने यूज़ में ले सकें, एनिमल्स के यूज़ में ले सकें, ह्यूमंस के लिए यूज़ में कर सकें, ह्यूमंस बॉडी इट्सेल्फ ओके। तो और वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको रिजेक्ट भी ना करें, इस तरह से डेवलप करें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करे, उसको रिजेक्ट भी ना करे, ठीक है, तभी वो हमारी बॉडी में काम कर सकती है। अगर रिजेक्ट कर दी तो फेल हो जाएगी, फिर हम उसे कोई यूज़ में नहीं ले सकते। इमेजिन इफ़ अ बैक्टीरिया वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, ऐसा सोचो कि अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जो ह्यूमन जैसी इंसुलिन बनाने लगे, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, बहुत ईजी हो जाएगी सारी चीज़ें, समझ गए? ओके, आगे चलते हैं। नाउ इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेंक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स, जब पहले इतनी बायोटेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तो उस समय क्या किया गया था, सबसे पहले जो इंसुलिन है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था पेंक्रियास ऑफ कैटल्स एंड पिग और कैटल्स के पेंक्रियास से, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, सो कॉल सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ द रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। देखो तो क्या हुआ, डेवलप तो कर लिया हमने कैटल और पिग के जो पेंक्रियाज है, किससे, पेंक्रियाज से डेवलप तो कर लिया था, लेकिन इसने कुछ सिम्टम्स कॉज किए, कुछ सिम्टम्स कॉज किए जैसे कि एलर्जी हो गई एंड अदर टाइप ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द फॉरेन प्रोटीन, क्या है, एक तरह की प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन ने उनके अंदर इस तरह के कुछ डेवलप किए, सिम्टम्स डेवलप किए, तो ये तो ठीक नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी इसे कोप अप नहीं कर पा रही है, ले नहीं पा रही है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन जो होती है उसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड होती है, एक चैन ए होती है, एक चैन बी होती है, एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर बाई अ डाई सल्फाइड ब्रिज, किससे अटैच होती है, डाई सल्फाइड ब्रिज,
तो याद रखना है, दो चेन होती है ए और बी, लिंक्ड होती है किससे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ठीक है, इन मैमल्स अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग ह्यूमंस को इंक्लूड करें, इंसुलिन सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन। प्रो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब जब ये इनएक्टिव है तो इसे एक्टिव भी करना होगा। अगर हम इसे का यूज़ करना चाहते हैं तो उसे एक्टिव भी करना होगा बिफोर मैचुरेशन एंड फंक्शनिंग हार्मोन। ठीक है, फंक्शनिंग हार्मोन विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच, जिसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग, इसे क्या बोलेंगे, सी पेप्टाइड। क्या बोलेंगे, सी पेप्टाइड। ठीक है, ये क्या होगी, एक एक्स्ट्रा बोले तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होगा उसके अंदर, जिसे हम सी पेप्टाइड बोलेंगे। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन अ मैच्योर इंसुलिन, ये बात बहुत अच्छी लिखी है, फोकस करने वाली है, इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। जो मैच्योर इंसुलिन होगी उसमें सी पेप्टाइड नहीं होगी। एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैचुरेशन इंटू इंसुलिन, अगर हम इस सी पेप्टाइड को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरएनए टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इन द मैच्योर फॉर्म, किस तरह से हम इसे मैच्योर फॉर्म में डेवलप करें, ये सबसे बड़ी चुनौती थी उन लोगों के सामने जिन्होंने आरएनए टेक्निक से इसको डेवलप किया। इन 1983 ईली लिली एन अमेरिकन कंपनी, ईली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी 1983 में, टू डीएनए सीक्वेंस को उन्होंने बनाया ए एंड बी एंड चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस दैम इन टू द प्लाज्मिड ऑफ ईकोलाइट टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन, और इसको छोटे छोटे स्टैंड बनाए और इसको क्या किया, एस्केरिशिया कोलाई ईकोलाई के प्लाज्मिड में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अब क्या था कि अलग अलग इंट्रोड्यूस किया तो वो सेपरेटली क्या हो गई, फॉर्म हो गई, चैन ए भी बन गई और चैन बी बन गई। द एक्सट्रैक्ट एंड कम्बाइंड बाई क्रिएटिंग ए डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ ह्यूमन इंसुलिन, और फिर बाद में उन्होंने ये सिंगल स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड, अगर ये ए थी बी थी, अलग अलग बैक्टीरिया में इसके छोटे छोटे कोट्स डाल दिए उसके प्लाज्मिड के अंदर, ये रेप्लीकेट कर गई और हमने दो अलग अलग स्ट्रेन बना दिए, और बाद में इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली इन्होंने क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इनके बीच में लिंक बना दी। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना दिए, तो इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन का डेवलपमेंट हो गया और जो डायबिटिक पेशेंट थे उनके लिए खुशी की बात है, समझ गए, आराम से वो खा सकते हैं लड्डू पेड़े। अब देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है प्रो इंसुलिन जिसमें सी पेप्टाइड होगा, लेकिन जब ये रही ए और ये रही बी पेप्टाइड दोनों, और ये जो है सी पेप्टाइड यहाँ से यहाँ तक कि ये जो है सी पेप्टाइड इसको रिमूव कर दिया, अलग कर दिया, जब अलग कर दिया तो ये दोनों चेन बची, यहाँ पर ये देखो डाइसल्फाइड लिंकेज इनके बीच में मिल रहा है। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज मिल रहा है इनके बीच में, तो ये क्या हो जाएगी, मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, या फिर जो काम कर रही है फुली मैच्योर इंसुलिन हो जाएगी जब इस सी पेप्टाइड को हटा देंगे, और यहाँ पर ये प्रो इंसुलिन की फॉर्म में थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी। ओके, नाउ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटी डिसीज कैन बी करेक्ट, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिसीज, बोल रहा है अगर कोई भी व्यक्ति है वो हेरिडिटी डिसऑर्डर से साथ पैदा होता है, क्या ऐसा कोई थेरेपी है जिसे हम उसे सही कर सकें, तो जीन थेरेपी इज अटेम्प्ट टू डू दिस, तो इसको सही करने के लिए कौन सी थेरेपी डेवलप की, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ मेथड है दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट, किसी के अगर जीन में ही डिफेक्ट है तो उसको, किसी के डीएनए में जीन में ही डिफेक्ट है बोले ना, तो क्या होगा, उसको डायग्नोस किया जाएगा इन चाइल्ड या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में। हर जीन आर इंसर्टेड इनटू द पर्सन सेल और
जो जीन होगा उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पर्सन की सेल में, टिश्यू में, टू बी ट्रीट अ डिजीज, उस डिजीज को सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए. करेक्शन ऑफ द जेनेटिक इफेक्ट, जो डिफेक्ट है जेनेटिक डिफेक्ट, इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ द नॉर्मल जीन. ठीक है, करेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उस जीन को जगह पर रिप्लेस करके क्या कर रहे हैं, एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, जो कि नॉर्मल है. द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन. जैसे कि जो नॉन फंक्शनल जीन था, जो काम नहीं कर रहा था, उसकी कमी को वो पूरी कर सके, भरपाई कर सके, समझ गए? ठीक है, और भरपाई हो गई तो इसका मतलब वो डिजीज फ्री हो जाएगा, मतलब वो बीमारी उसकी खत्म हो जाएगी. अब देखिए, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसको दी गई थी? 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी, उसको दी गई. किसके लिए दी गई थी? तो यहाँ पर बताया गया है, एडिनोसिन डीअमिनेज ए डी ए डेफिशिएंसी थी उसके अंदर. 4 साल की थी 1990 में, ओके. और उसे क्या दिया गया था? फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी. दिस एंजाइम इज क्रूशियल, जो एंजाइम एडीए है वो क्रूशियल होता है फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन. हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है, इसके लिए ये एंजाइम जो होगा वो जरूरी होगा. दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ. अब यहाँ पर बात कर रहा है ये डिसऑर्डर हुआ कैसे उस लड़की में, तो कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर डी एमिनेज. जो डी एमिनेज एंजाइम को बनाने वाला जीन था वही डिलीट हो गया. अब जब जीन ही नहीं है, उसे बनाने वाला ही नहीं है, तो प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? तो डी एमिनेज खत्म था, उसमें था ही नहीं, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या था? बहुत ही ज़्यादा, बोले तो वीक. इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशेंसी कैन बी क्योर्ड बाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसे क्योर कर सकते हैं एडीए की डेफिशिएंसी को. इन ऑर्डर इट कैन बी ट्रीट बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी. ठीक है, अगर बात कर रहा है कोई दूसरा मेथड है, तो वो हो सकता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, इन विच द फंक्शन डीएनए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन. ठीक है, तो फंक्शनल एडीए जो होता है वो क्या दिया जाएगा उस पेशेंट को, दिया जाएगा इंजेक्शन से. एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या है कि एडीए का जो जीन है, जीन नहीं, एडीए जो है उसी को फंक्शनली हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे. बट द प्रॉब्लम इन बोथ, ये जो दोनों प्रोसेस मैंने बताई हैं, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलो या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलो, दोनों में एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम है तो समाधान भी होना चाहिए. क्या है? दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, मतलब उस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती. एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड सेल ऑफ द पेशेंट, जो भी पेशेंट है, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट्स आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड. ये जो लिम्फोसाइट्स थी, तो पहली जीन थेरेपी की तरफ क्या कदम था कि जो लिम्फोसाइट्स थी, जो पेशेंट है उसकी लिम्फोसाइट्स को ग्रो कराया गया था आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर. अ फंक्शनल एडीए सी डी एन ए रेट्रोवायरस को यूज करके ऐसे बनाया गया. इन इज देन इंट्रोड्यूस इन टू दीज लिम्फोसाइट. ठीक है, तो जो फंक्शनल एडीए को इंट्रोड्यूस कर दिया गया उसकी लिम्फोसाइट्स के अंदर, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, ओके. हाउएवर दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, क्योंकि जो लिम्फोसाइट हैं वो एक ना एक दिन मरती हैं, तो ये ऐसी तो नहीं है कि हमेशा जिंदा रहे. द पेशेंट रिक्वायर अ पेडिंग इन्फ्यूजन ऑफ दिस जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट. तो देखो क्या होगा, उस पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा बार बार इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को, जिनके अंदर वो एडीए का फंक्शनल एंजाइम प्रेजेंट है, उसको बार बार इन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा.
However, if the gene isolate from the marrow cells producing the ADA is introduced into the cell at earlier embryonic stage, it could be permanent cure. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर हम उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दें उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, कौन सी स्टेज के अंदर, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, उस जो एम्ब्रियो है उसके अंदर अगर हम उस सेल को ही, जीन को ही इंट्रोड्यूस कर दें, तो शायद इसको हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं. ठीक, कौन सी स्टेज में पूछ सकता है आपसे, कौन सी स्टेज में, तो आपको याद रखना है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो शायद हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो आगे देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. नाउ यू नो दैट द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, अर्लियर डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अगर कितना अच्छा हो कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाए कि उसे ये बीमारी है अर्ली स्टेज में, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी, उसके बाद पता चलेगा तो उसका बचना मुश्किल है. लेकिन अगर ऐसा कोई कुछ हो जाए जिससे कि उस व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाए कि हाँ मुझे ये बीमारी अभी अभी हुई है, इसे क्योर किया जा सकता है, तो वो बच जाएगा आसानी से. ओके, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, तो यहाँ पर कुछ कन्वेंशनल मेथड बताए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे डायग्नोसिस के, एक तो सीरम हो जाएगा, एक यूरिन एनालिसिस, सीरम एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस कैसे हैं, कन्वेंशनल मेथड है. बट अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इनसे हम अर्ली डिटेक्ट नहीं कर सकते, पहले से ही डिटेक्ट कर ले तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. कौन सी टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR बोल देते हैं इसे शॉर्ट में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, मतलब ELISA, आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस. तो याद रखना है कन्वेंशनल डायग्नोसिस के अंदर आते हैं सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, जिससे अर्लियर डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है. बट अगर हम अर्लियर डिटेक्शन करना चाहते हैं बीमारी का, तो हमें या तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना होगा, या फिर ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. ठीक है, तो समझ में आ गया कन्वेंशनल मेथड क्या है या अर्ली डायग्नोसिस के मेथड क्या है. ठीक है, बहुत बढ़िया. इन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, इट इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम्स. नॉर्मली हम देख सकते हैं कि कोई पैथोजन है, अगर वो सिम्टम्स दिखाएगा, कोई भी पैथोजन इंट्रोड्यूस हो गया बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, तो वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, उन सिम्टम्स से हम देख सकते हैं. बाय दिस टाइम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी. इस समय जब तक हमें पता नहीं चलेगा, उसकी रैपिड ग्रोथ होती रहेगी हमारी बॉडी के अंदर. However, very low concentration of the bacteria or the virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. देखो तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो minimum amount होगा उसका, लेकिन अगर हम उसको amplify कर दें, मतलब अगर इतना छोटा सा है उसका number, तो उसको हम high copy number में convert कर लें, large कर लें, enlarge कर लें, amplify कर लें अगर उसकी न्यूक्लिक एसिड को, तो हम आसानी से पता लगाएंगे, लगा सकते हैं. तो ऐसी टेक्निक क्या है, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, समझ गए. PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्शन ऑफ HIV इन अ सस्पेक्टेड पेशेंट. अगर हमें लग रहा है कि कोई ये पेशेंट है उसके अंदर HIV का वायरस है, ठीक है, डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो किससे करेंगे, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से. इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन द जीन. ठीक है, ये किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कि कोई जीन में म्यूटेशन हो गया इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं.
इन सस्पेक्टेड टू कैंसर पेशेंट्स, जो कैंसर पेशेंट हैं उनके अंदर भी अगर हमें लग रहा है कि कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एड्स विक्टम जो है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी ऑफ द अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उसको भी बताने के लिए ये एक कैसी टेक्निक है, पावरफुल टेक्निक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए ट्रैक विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसे क्या बोला जाता है, प्रोब। तो याद रखना है एग्जाम्पल, क्या बोलेंगे इसे, प्रो बोलेंगे। एग्जाम के अंदर क्या बोल देगा, इसकी डेफिनेशन लिख देगा और आपको बताना होगा। अ सिंगल स्टैंडर्ड, कैसा स्टैंडर्ड होगा, वहाँ डबल लिख सकता है, और ट्रू फॉल्स कर दिया तो फॉल्स मत कर देना प्यारे बच्चों। कैसा होता है ये, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, और रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से ट्रिगर होगा जिसे प्रोब बोला जाएगा। अलाउ टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ क्या करेगा, ये हाइब्रिडाइज करेगा एंड क्लोन ऑफ द सेल्स फॉलोड बाई डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी, और बाद में हम इसे किससे डिटेक्ट करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी से। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, जो क्लोन्स बनाए हैं उनके अंदर क्या हो, म्यूटेटेड जीन, विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन, ऐसे क्लोन्स, बहुत सारे मल्टीपल क्लोन्स बनाए थे हमने, उनके अंदर किसी में अगर म्यूटेटेड जीन है, हैंस विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, जिनके अंदर म्यूटेटेड जीन्स होंगे वो क्लोन जो होंगे हमें अपीयर नहीं होंगे इन फोटोग्राफिक प्लेट। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि प्रोब जो होंगे वो किसके साथ अटैच नहीं होंगे, म्यूटेटेड के साथ अटैच नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट शो नहीं करेंगे, उससे कंबाइन नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया, और इससे हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर कंबाइन नहीं हुए हैं, दैट मीन्स यही वो है जहाँ पर ये जो है उनका डिटेक्शन हुआ है। समझ गए, तो ये जो लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, ये वाला क्या होगा, इस पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, इसे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ ट्रिगर करेंगे, इसे प्रोब्स बोला जाता है, हाइब्रिडाइज करेगा एक कॉम्प्लीमेंटेड डीएनए के साथ इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, फिर हम इस तरह से डिटेक्ट करेंगे ऑटो रेडियोग्राफ से। नाउ क्लोन जिनके पास म्यूटेटेड जीन है वो अपीयर नहीं होंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, बिकॉज द प्रोब्स, क्योंकि जो प्रोब्स हैं वो कंबाइन नहीं करेंगे म्यूटेटेड जीन्स के साथ, म्यूटेटेड जीन के साथ। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जो एलाइजा है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है इस पर बेस्ड होता है, ठीक है, जो एलाइजा होता है। इन्फेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्ट बाई द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन कैन बी डिटेक्ट किया जा सकता है बाई द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स, एंटीजन्स लाइक प्रोटीन हो सकती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है, तो क्या पैथोजन उसके अंदर प्रेजेंट है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है अगर उसके अंदर कोई प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो मिल गई, और बाई डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ह्यूमन्स इम्यून सिस्टम है, उसने क्या कोई एंटीबॉडी सिंथेसाइज की है, क्या हमारी बॉडी ने क्या कोई भी एंटीबॉडी जो है सिंथेसाइज की है अगेंस्ट द एंटीजन, तो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या होगा, उस पैथोजन ने अटैक किया होगा, इसीलिए हमारी बॉडी की जो है इम्यून सिस्टम जागृत हुआ और उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी, खाम खा तो कुछ करेगा नहीं, समझ गया। अब नाउ
ट्रांसजेनिक एनिमल, बताओ ये लास्ट पड़ाव है समथिंग, और यहीं पर फिर हो जाएगा अपना खत्म चैप्टर। तो बताओ अच्छा लोग, यहाँ तक समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया? बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया प्यारे बच्चों। बोलो, लगे रहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझ गए? तो मेहनत करते रहिए। नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, फॉर्म में आ जाओ, दोबारा से लौट आओ जल्दी से। नाउ क्या बोल रहा है? एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेसेस एंड एक्सप्रेस इन एक्स्ट्रा मतलब फॉरेन जीन इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या होगा, मैनिपुलेटेड डीएनए होगा और एक्सप्रेस किया गया होगा इन फॉरेन जीन, ठीक है, एंड फॉरेन जीन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक रेट्स बनाए गए हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, तो बहुत सारी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं, जैसे ही रैट हो गया, रैबिट हो गया, पिग हो गया, सीप हो गई, काउ हो गई, फिश हो गई, हैज़ बीन प्रोड्यूस। ऑल दो ओवर 95% अगर हम बात करें, 95% ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांस एनिमल्स आर माइस। तो सबसे ज़्यादा ट्रांस जेनिक कौन है? माइसे हैं, जो कि 95% बनाए गए। जैसे रैट, रैबिट, पिग, सीप, काउ, फिश, इनको भी बनाया गया है, बट मैक्सिमम अमाउंट में किसको बनाया गया है? तो माइस, समझ गए? नाउ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ द जीन्स वर रेगुलेटेड, ठीक है, अलाउ द स्टडी ऑफ, जो हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, ठीक है, उनको डिजाइन किया गया है। क्यों डिजाइन किया गया है? ऐसे ही हमें सपना तो नहीं आ रहा था कि हाँ भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना दो, उनकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी इसलिए हमने उन्हें बनाया गया। बोलो समझ में आ रहे? इसीलिए बनाया गया होगा। तो उन्हें डिज़ाइन किया गया था टू स्टडी द हाउ द जीन आर रेगुलेटेड, कि जीन्स को हम किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। अगर कोई किसी भी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन और डेवलपमेंट हो रहा है, उसको किस तरह से अफेक्ट डालेंगे, क्या प्रभाव होगा, क्या उस पर सही काम करेंगे या गलत काम करेंगे, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था इन्हें। स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन अ ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाई इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल इन द फैक्टर रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली ये सब बातें जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया गया, बनाया गया, इन बात की स्टडी करने के लिए कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन की ग्रोथ डेवलपमेंट उस पर अफेक्ट डाल रहे हैं, क्या इफेक्ट डालेंगे, या उनके जो जीन्स हैं वो किस तरह से रेगुलेट किया जा सकते हैं। सही बात है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, समझना के लिए इन्हें क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी के अध्ययन करने के लिए मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग हाउ द जीन कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज मेड पॉसिबल, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप किए गए, इन पर हम स्टडी करेंगे डिजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या इफेक्ट है, किससे बचा जा सकता है, ओके। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया था, इन्हें डिज़ाइन किया गया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट, इससे क्या क्या नए ट्रीटमेंट हो सकते हैं इस डिजीज़ से क्योर करने के लिए। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, किस किस के लिए, कैंसर हो गया,
सिस्टिस फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। अल्जाइमर, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूँ कौन सी इनमें से ऐसी बीमारी है जो है ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जल्दी से बता दो, यहाँ पर दिया है कैंसर, सिस्टिस फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिजीज है? ठीक है, तो वो हो जाएगी रिमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत अच्छा जवाब, वेरी नाइस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप सभी। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए अगला बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिंस रिक्वायर्ड टू ट्रीट अ सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। द ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस द यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड कैन बी क्रिएट बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्सन ऑफ द डीएनए कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन। देखो अगर हम किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। तो अगर हम से बोला जाए कम खर्चे में भी हमें वही इफ़ेक्ट्स तो हो उस ट्रीटमेंट को, उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन बन जाए, तो हमें क्या करना होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को लिया जाएगा, उसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, एक जीन जो उस काम को कर रहा होता है, तो वो क्या करेगा अपने आप से उन्हें प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करके हमारे लिए अवेलेबल करा देगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन यूज़ की गई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। सिमिलरली अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलक्यूटेनोरिया एंड सिस्टिस फाइब्रोसिस के लिए भी किए गए। जैसे अल्फा एंटी ट्रिप्सिन ह्यूमन प्रोटीन है, इसने ट्रीटमेंट किया एक पर्टिकुलर डिजीज एम्फाइसीमा, ठीक है, लंग्स की एल्वोलर सरफेस जो होती है कम हो जाती है एम्फाइसीमा में। बताओ मैंने जो बोला वो सही है या गलत, लंग की जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है इन एम्फाइसीमा, बता दो ट्रू है या फॉल्स है, कमेंट करके जल्दी बताओ। अब अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलक्यूटेनोरिया एंड सिस्टिस फाइब्रोसिस। नेक्स्ट, इन 1997 अ ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ 1997 में बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी, जो प्रोड्यूस करती थी ह्यूमन प्रोटीन एंड रिच मिल्क। कितना देता था, 2.4 ग्राम पर लीटर, हर लीटर पर 2.4 ग्राम क्या देती थी, क्या देती थी बच्चा लोग, प्रोटीन देती थी। हर लीटर पर 2.4 ग्राम प्रोटीन मिलती थी आपको। कब डेवलप की गई, 1997 में। नाम क्या था, रोजी। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा अल्फा लैक्टोएल्बुमिन एंड वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज एंड नेचुरल काउ मिल्क। जो नेचुरल काउ मिल्क है इससे भी ज़्यादा यूजफुल था ये ह्यूमन्स के लिए, ह्यूमन बेबी के लिए, ठीक, तो समझ गए, क्योंकि इसमें क्या था, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा था थोड़ा। अब अगला काम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या हो सकता है, वो हो सकता है वैक्सीन सेफ्टी। जैसे कि अभी कोरोना का पैंडमिक चल रहा है, तो उस पैंडमिक में क्या कर रहे हैं, नई नई टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, नई नई जो है वो वैक्सीन्स बन रही हैं, उन वैक्सीन की सेफ्टी को चेक किया जा रहा है। ऐसे ही हम किसी को वैक्सीन तो नहीं लगा सकते, सबसे पहले उनकी सेफ्टी चेकिंग होगी कि वो एनिमल्स के लिए जो है लगाई जा रही है वो यूज़फुल है, सही है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कोई इसका ड्रॉबैक तो नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इन सब चीज़ों का टेस्ट टेस्ट है वो किस पर करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन। ह्यूमन पर यूज करे जाने से पहले हम ट्रांसजेनिक माइस जो हैं इन पर इसकी सेफ्टी को यूज़ कर टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कि ये उसमें किस तरह के सिम्टम्स ला रही है, क्या
अलग कोई बीमारी तो नहीं कॉज कर दे रही है। ट्रांसजेनिक माइज आर बीइंग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक माइज को पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़ किया गया था? सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन के लिए। इफ़ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, अगर ये अच्छा है और उस पर सही काम कर रही है, दे कुड बी रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी। फिर हम उस पर किसको मंकी पर टेस्ट कर देते हैं एंड ठीक है, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन। जो बैचेस ऑफ वैक्सीन है, अलग अलग बैच बना लेंगे, उनको टेस्ट किया जाता है फिर मंकी के ऊपर। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी माइस के ऊपर और बैचेस ऑफ द वैक्सीन की सेफ्टी को चेक किया जाता है ऑन मंकी। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक? नाउ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल्स की सेफ्टी, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यू फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिन ऑफ द ड्रग। जिस तरह से कोई भी ड्रग है, दवाई बनाई गई है, मेडिसिन बनाई गई है, उसको हम चेक करते हैं, उसी तरह से इन केमिकल्स को भी चेक करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिन जीन दैन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया जाता है जो मोर सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड दैट टॉक्सिन। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिन सब्सटेंसेस एंड द इफेक्ट स्टडी। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन द रिजल्ट इन लेस टाइम। जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कर रहे हैं इन एनिमल्स पर, जब हम करेंगे तो क्या होगा, थोड़े से कम समय में ही हम जो है मैक्सिमम रिजल्ट ऑप्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है हमने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं उसके लिए। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, इस आज के सेशन का लास्ट पड़ाव चल रहा है, प्यारे बच्चों बने रहिए। तो क्या है वो, क्या है? एथिकल इश्यूज, मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होंगे रिक्वायर्ड होंगे। गोइंग बियॉन्ड द मोर्टलिटी ऑफ सच इश्यूज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप अ ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है GEAM, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो कम्युनिटी लिख सकता है, याद रखना है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। GEAM की फुल फॉर्म, AC की फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विच दे विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ जीन रिसर्च। मतलब तुमने कोई भी GM मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर क्रॉप बनाई, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें इस कमेटी से जाकर अप्रूवल लेना होगा कि हाँ ये जो हमने बनाई है वो, इसको क्या करना है, हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मार्केट में उतारना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये कमेटी आपको क्या करेगी, वैलिडिटी प्रोवाइड कराएगी कि हाँ तुम उतार सकते हो, अप्रूवल देगी। डिसीजन रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, कि तुमने रिसर्च की है तुम इसे उतार सकते हो। सेफ्टी चेकिंग तुम्हें बतानी पड़ेगी इसकी, GM ऑर्गेनिज फॉर पब्लिक सर्विस के लिए, अगर पब्लिक सर्विस जानते हो तो तुम्हें इसकी सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा।
जो ऊपर बातें बताई हैं उनका सबका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी एनिमल के लिए ये साइड इफेक्ट कॉल नहीं कर रही। मॉडिफिकेशन यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेन फॉर द पब्लिक सर्विस एज अ फूड एंड मेडिकल सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द प्लान पेटेंट ग्रांट फॉर देम। ठीक है, तो उनने जो डेवलप की है उन्हें उसका क्या मिलना जाना चाहिए, पेटेंट। देयर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर एंड सर्टेन कंपनी आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैव लॉन्ग identified, developed and used by farmer and indigenous peoples for a specific region or country। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रीजन और कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उसका यूज़ करेंगे, उन सब चीज़ों का जो रिसोर्सेस उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं, और जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है उसने क्या करेगा, वो पेटेंट करा लेगा अपने नाम पर कि हाँ ये टेक्निक मैंने डेवलप की है। और क्या होगा, उसको कोई दूसरा व्यक्ति बिना उसकी इजाज़त के यूज नहीं कर सकता। समझ गए। द राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ द ईयर इन द एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। ठीक है, ये अभी से नहीं है, राइस एग्रीकल्चर फील्ड में जो राइस है ये थाउजेंड ऑफ द ईयर है उसे है एशिया के एग्रीकल्चर में। देयर आर एस्टिमेटेड कितनी वैरायटी ऑफ इंडिया अलोन, भारत में ही अगर बात करें तो 2 लाख वैरायटी है राइस की, सिर्फ राइस की। देखो कितना बड़ा डाटा है बच्चे लोग, ठीक है, 2 लाख। द डाइवर्सिटी ऑफ द राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में राइस की वैरायटी जो है मैक्सिमम किधर मिल रही है, इंडिया में। तभी तो बोलते हैं हमारा भारत महान है। ओके, तो डाइवर्सिटी इन द इंडिया कितनी है राइस की, 2 लाख, और जो क्या है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में रिच है। बासमती राइस फेमस नाम है, सभी ने सुना होगा बासमती राइस का। इज डिस्टिंक्ट फॉर द यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। इस ये अलग क्यों है, और राइस से ये अलग क्यों है बासमती राइस, तो ये अपने अरोमा एंड फ्लेवर की वजह से। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ द बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। तो कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है, तो वो है 27 बासमती राइस की डॉक्यूमेंटेड वैरायटी। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, पुराने जो है कई हजारों साल पहले के जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें भी बासमती राइस का जिक्र मिलता है। ठीक है, समझ गए, पोइट्री पोइट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, बासमती राइस का जिक्र मिलता है। तो इससे ये समझ में आता है कि बासमती राइस जो है वो आजकल का नहीं है, बहुत साल पुराना है, बहुत पहले से इसका यूज हो रहा है। इट हैज बीन ग्रो फॉर सेंचुरीज इन 1997। ठीक है, 1997 में रोजी काओ, याद आ रहा है रोजी काओ भी थी, और 1997 में ही क्या है यहाँ पर, एक अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट। ठीक है, तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, एक चालाकी की, और चालाकी करके क्या करा, एक बासमती राइस जो इंडिया का था उसको US पेटेंट करा लिया, मतलब अपने नाम पर करा लिया कि हाँ ये हमारी वैरायटी है, एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। समझ गए, तो क्या करा उन्होंने, हमारी वैरायटी को चुरा कर और एक पेटेंट लगा दिया उस पर कि ये हमारी वैरायटी है, ऐसे बोल दिया। ठीक है, दिस अलाउ द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ द बासमती, एक नया नाम रख दिया बासमती का भाई, इन US एंड अब्रॉड। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज़ एक्चुअली बीन ड्राइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटी। लेकिन जो ये बासमती राइस था वो इंडियन फार्मर की ही वैरायटी थी, जो ये डेवलप की गई थी वो इंडियन फार्मर की ही वैरायटी थी, लेकिन उन्होंने उस पर पेटेंट करा लिया। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी डॉफ वैरायटी, किसी सेमी डॉफ वैरायटी को इंडियन बासमती को क्रॉस करा दिया, एंड क्लेम्ड एज एन
है, तो उन्होंने उस पर क्या क्लेम कर दिया कि ये हमारी वैरायटी है, और पेटेंट भी ले लिया। द पेटेंट एक्सटेंड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लाइंग दैट अदर पीपुल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाई द पेटेंट। उस पेटेंट से अदर पीपल जो होंगे वो नहीं करा सकते जब उन्होंने पहले करा लिया है। द सेवरल अटेम्प्ट हैज ऑल्सो बीन मेड टू द पेटेंट यूज प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बिसाइडल प्लांट। मतलब जो इंडिया के अंदर कुछ हर्बिसाइडल मेडिसिन प्लांट है लाइक टर्मरिक हो गया एंड नीम हो गया, तो इस पर हमें पेटेंट करा लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से अपना बासमती राइस अपने हाथ से निकल गया, पेटेंट निकल गया, उसी तरह से क्या पता कोई और देश के व्यक्ति, कोई और व्यक्ति आके नीम, हल्दी, तुलसी, इन सब पर पेटेंट करा ले आके, समझे? तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। इफ़ वी आर नॉट वेगिलेंट एंड वी डोंट इमीडिएटली काउंटर दी पेटेंट एप्लीकेशन पर, अगर हमने अभी से वर्क नहीं किया, अदर कंट्री इंडिविजुअल मे इन केस आवर रिच लीगेसी एंड मे नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग अबाउट इट। अगर उन्होंने पेटेंट करा लिया, पेटेंट इन पर, तो हम बाद में इसे कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे रह जाएंगे, समझ गए? बायो पायरेसी क्या होता है? द टर्म इज़ यूज टू रेफर द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीपल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजिंग फ्रॉम द कंट्री एंड द पीपल कंसर्न अबाउट कंपल्सरी पेमेंट, ठीक है? तो बायोपायरेसी क्या होता है कि उस व्यक्ति से या उस कंट्री से जहाँ से ये चीज़ डेवलप हुई है उससे तुम इन्फॉर्म ना करो, या फिर उससे तुम क्या ना करो, कोई भी पेमेंट ना दो, और उसके जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर लो, ठीक है, अपना बना लो। तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे? बायो पायरेसी बोलेंगे, ठीक। तो ये करना नहीं चाहिए, इलीगल है, समझे? अब देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लोरेड टू डेवलप द मॉडर्न एप्लीकेशन एंड ऑल्सो बी यूज टू सेव दैम एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस इन एडिक्वेट कंपनसिएशन एंड बेनिफिट द शेयरिंग बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके बीच में क्या होगा, शेयर करें। Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bio resources and traditional knowledge. उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या बायो रिसोर्सेज हैं उन सबको अनऑथराइज यूज़ ना हो, उन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उन नेशंस को कुछ ना कुछ लॉ जो है डेवलप करनी चाहिए। उसी सीरीज में इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया था रिसेंटली, क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पेटेंट बिल पर सेकेंड अमेंडमेंट उन्होंने दी दैट टेक सच इशू इन टू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द पेटेंट टर्म। उन्होंने किसको इंक्लूड किया? पेटेंट टर्म, एमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। समझ में आया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया रिसेंटली, एक सेकेंड अमेंडमेंट की। कौन सी अमेंडमेंट थी? सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल में, इंडियन पेटेंट बिल में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन सब के बारे में उन्होंने क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दिया। सेकेंड अमेंडमेंट हुआ हमारा इंडियन पेटेंट बिल के अंदर, ठीक है? तो ये जो है किसी भी देश को या किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, पेटेंट करा लेना चाहिए अपने नाम पर कि हाँ ये हमने डेवलप की है, हमारे ओरिजिन की है। तो उससे क्या रहेगा,
कोई भी इसे अनऑथराइज तरीके से यूज नहीं कर पाएगा, इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये अपना क्लियर कर लिया है। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा ये सेशन जो था वो पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, थैंक यू। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहेगी। कोई भी क्लास, कोई भी चेंज हो रहा है शेड्यूल में।